हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज मी मुन्ना, वेलकम बैक टू इन द व्लॉग। तो आज हम आए हैं ट्रैक करने के लिए दुर्ग भंडार फोर्ट पे, और काफ़ी लेट हो गया आज हमें, तो जल्दी जल्दी मैं इंट्रो भी शूट कर रहा हूँ, बिकॉज पहले ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो हमें लेट हो गया, बट हमने मैनेज कर लिया आना। और अभी आज हम एक दो जन ने, हम 7 जनों का ग्रुप है, तो देखते हैं आज का ट्रैक कैसा होता है। तो पहले पैच में से स्टेयर से आपको हाइक करते जाना पड़ेगा, और ये ऑलमोस्ट 750 स्टेयर्स है, तो भाई कब के ख़त्म ही नहीं हो रहे। लाइक हमको आधा घंटा हो गया है, आज हम ज़्यादा जाने तो लाइक टाइम लेके चढ़ रहे, और सबके साथ रहना पड़ता है, तो सबके लिए रुक रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे ऊपर। देखते अभी वजह 7:30 और सनराइज तो हुआ ही नहीं, आई गेस हो गया होगा, बट फॉग की वजह से हमें दिख नहीं रहा है। और आप फॉग देखो भाई, आगे का कुछ नहीं दिख रहा, हमें यहाँ पे क्लाइम करना है। अभी ये विजिबल था ये माउंटेन, बट अभी वो भी नहीं है। तो हम अभी यहाँ से आए, हमें यहाँ पे दुर्ग भंडार को ये ट्रेल लेके हाइक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे गंगा द्वार है। तो आज पता नहीं कि मैं ज़्यादा व्लॉग कर पाऊँगा या नहीं, कॉज पावर बैंक जो थी वो मेरे दोस्त के पास है, और वो लाइक सुबह आ रहा था बट ऑन टाइम कुछ तो हो गया तो कैंसिल हो गया। और अभी कैमरा की चार्ज पता नहीं कितनी है, लाइक जितना व्लॉग शूट कर पाएंगे उतना शूट करेंगे, सिनेमैटिक्स कम रखेंगे, बट व्लॉग तो अपना रहेगा ही, देखते कैसा होता है। भाई यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग है क्या, आ गया फिर चलते हैं। ये बंदर ही ये ट्रैक के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमने स्टार्ट वो किया था वहाँ से, आपको ट्रेल दिख रहे होंगे, अभी हमने हाफ ट्रैक कर लिया है। और हर ट्रैक जैसे एक कुत्ता हमारे साथ ऊपर आ रहा है भाई, मतलब कोई रहे या नहीं रहे साथ में, फिर कुत्ते हमेशा, मतलब सिंगलवाड़ी को भी एक डॉग था वो मेरे साथ पूरे ऊपर तक आया था। हाफ कंप्लीट कर लिया है गाइस, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। और बहुत ज्यादा तेज बारिश, से वापस नीचे से स्टेयर से, तो यहाँ से डिसेंड करेंगे अपन। तो जो ऑरेंज वाला देख रहे हो ये ब्रह्मगिरी का ऊपर का मंदिर है, पहले मंदिर के यहाँ पे भी चलते। अब बस व्यू देखो, यहाँ से पूरा फॉग है। तो मैं गलत था, ये जो टेंपल था इसके पीछे से दुर्ग भंडार जाने का रास्ता है, और ये वो वाले टेंपल जो आपने पहले देखा उसके अपोजिट वाले साइड है, तो यस इसके पीछे से। तो लाइक पिछले आधे घंटे से हम हाइक करते ही जा रहे हैं, हमें ट्रेल्स लिए बट हमें मिल ही नहीं रहा था, कि कंफर्म नहीं था, बिकॉज बहुत ज़्यादा फॉग था तो विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, और हमें पता ही नहीं दुर्ग भंडार का रास्ता कहाँ पे, बट हम आते रहे एंड देन फाइनली ये स्टेयर से अभी नीचे जाना ऊपर, देन वापस नीचे, देन वापस ऊपर, इसमें ही तो मजा है। तो ये पूरा एक वैली जैसा फॉर्म हुआ है, यहाँ पे बड़े बड़े स्टेयर्स है, और बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से आपके पैर फिसलेंगे, तो भाई साहब धीरे धीरे जाना, देखो आप बहुत ज़्यादा डीप है, देन वापस ऊपर आना है, देन वापस नीचे जाकर अपन जो मेन फोर्ट है दुर्ग भंडार वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अभी पूरे सेफ्टी के साथ धीरे धीरे उतरते अपन नीचे, और भाई साहब इको आपको समझ रहे होगा इको कितना हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा लो, बहुत डीप है देखो।
और ये रहा दुर्ग भंडार हमारे सामने। जब फॉग पूरा हट जाएगा तो मैं आपको क्लियर व्यू बताऊंगा। और भाई साहब मतलब ऐसा आपको मतलब गलत ट्रेल्स ले लिए और आपको अगर मिल रहा नहीं है और उसके बाद अगर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो तो ऐसा आप इतनी ज़्यादा खुशी होती है। लाइक रंजनगिरी जैसे हुआ, दो बार ट्राई किया था हमने, अगर आपने मेरे को पहले से देखा होगा लास्ट सीजन में हम गए थे तो ऐसे आज कुछ हुआ कि लोग बोल रहे थे ये वाली ट्रेल नहीं है, बट यही ट्रेल थी एंड एंडिंग ऐसी हुई। तो अभी मेरे सब दोस्त आ रहे हैं यहाँ से, शॉट्स लेते हैं छोटी केव है जहाँ से मैंने मतलब ऊपर से अब देख सकते हो माई लाइक 150 to 100 feet होंगी इसकी हाइट जो स्टेयर्स की। और यहाँ से अपन जाएंगे अभी उधर, तो मेरे दोस्त कुछ शॉट्स ले रहे हैं उनके, मेरा तो अपन ने खुद नहीं ले लिया। ठीक है अभी उनका वेट करते हैं। तो अगर ये फोर्ट की लोकेशन की बात करें तो लाइक त्र्यंबक से 1.5 किलोमीटर पे ही ये फोर्ट आ जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा रिस्की जगह पे खड़ा हूँ, अभी नीचे जाता हूँ। तो 1.5 किलोमीटर पे ही है त्र्यंबक से एंड ब्रह्मगिरी जो है उसको जॉइंट ही है फोर्ट है। तो आपको पहले ब्रह्मगिरी का ट्रैक करना पड़ता है, देन वहाँ से ट्रेल लेके मैंने आपको बताया वो टेम्पल के पीछे से हाइक करते हुए आपको दुर्ग भंडार तक आना है। जब फॉग नहीं होगा तब आपको दिख जाएगा दुर्ग भंडार, बट अगर फॉग रहता है तो आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो लाइक ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और तो ये वाली ट्रेल पे बहुत ज़्यादा स्लश है आप देखो, और भाई यहाँ पे बस पत्थर है सपोर्ट के लिए, तो भाई सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना। कॉज नीचे सीधा वैली गए तो गए भाई, मैं भी जाऊँगा, बहुत ज़्यादा पैर फिसल रहे स्लश में। धीरे धीरे चलते अपन फाइनली। तो वो स्टेयर से हम ऊपर आए, वापस नीचे थोड़ा डिसेंड किया, अभी यहाँ से अंदर जाएंगे, यहाँ से स्टेयर्स लेके वापस ऊपर जाएंगे, देन ऊपर अपन टॉप पे पहुँच जाएंगे। ये साइड त्र्यंबक का पूरा विलेज है। इसे जा रहे और शेर बेटा रहा तो आगे खाएगा फिर। तो अभी सेकंड पैच हम क्लाइम कर रहे हैं स्टेयर्स वाला, और कैमरे की बैटरी ऑलमोस्ट डेड है, 10% बची है। तो यार अगर पावर बैंक रहती, अपने पास पावर बैकअप रहता तो बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक्स लिए रहती। अभी पता नहीं वीडियो कब एंड हो जाएगी, पर ठीक है। तो मैं अपने पहले वाले शॉट्स चेक कर रहा था, उसमें मेरे बाल बहुत चोमू जैसे आए कॉज बारिश थी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया शॉट्स की तरफ कॉज बैटरी ऑलमोस्ट डेड थी। ठीक है तो अगर ये फोर्ट की बात करें ट्रैक की तो ये मॉडरेट लेवल का ट्रैक है और इसकी हाइट ऑलमोस्ट 4 to 3.8 feet ऐसा कुछ तो है, 4000 ऑलमोस्ट। तो अगर ये फोर्ट की हिस्ट्री की बात करें तो 1818 में ये भी त्र्यंबकगढ़ मतलब जो ब्रह्मगिरी है उसे ट्रेकर्स लोग हम त्र्यंबकगढ़ कहते हैं, और त्र्यंबकगढ़ और ये जो दुर्ग भंडार है इसको ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था 1818 में। मैंने आपको त्र्यंबक मतलब त्रिंगलवाड़ी को बोला था कि त्र्यंबकगढ़ के बाद त्रिंगलवाड़ी कैप्चर हुआ था, तो यस इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है।